लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस खेमे से इस बार एक दो नहीं बल्कि 9 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम है 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश पचौरी का और धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। का रण कांग्रेस के लिए बड़ी अड़चन, लोकसभा का घमासान, कांग्रेस में संग्राम, चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका। जी हाँ, एक तरफ कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, अशोक चौहान के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब मध्य प्रदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वास्तविक मानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाते थे न राम पे नहीं तजी साई कोटि नैरिसम यद्यपि परम सनेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दिया, सनातन धर्म को संशोधित कर दो। जाके मुझे अपने जीवन में कभी पद और पद की लालसा नहीं रही और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, अभी भी मैं भगे शब्द के यहाँ आया हूँ। मेरे को कोई पदलिप्सा नहीं। सुरेश पचौरी के साथ पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, पूर्व विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, सपा के पूर्व विधायक अर्जुन पालिया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं कैलाश मिश्रा, आलोक चंदसौरिया भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अतुल शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। देश के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्हें हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में माननीय कैलाश जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता था। कांग्रेस में अगर ये कहा जाए, ये पदवी किसी को मिली है कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान रही है सहदरी सुरेश पचौरी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सुरेश पचौरी का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि सुरेश पचौरी 56 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। वो 1972 में भारतीय युवा कांग्रेस के मेंबर बने, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता तौर पर राजनीति में एंट्री की। 1981 से 83 तक एमपी युवा कांग्रेस के महासचिव रहे। 1985 से 1988 तक भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव। 1984 में राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए। 1990, 1996, 2002 में फिर राज्यसभा के मेंबर बने। केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2008 से 2011 तक एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके साथ ही एमपी प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और धार से सांसद रहे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने भी कांग्रेस से रिश्ता तोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वो साल 1989 में मनावर सीट से बीजेपी विधायक रह चुके हैं। 1990 से 92 तक विधायक रहे। वहीं वो 3 बार के सांसद रहे हैं, 1998, 1999 और 2009 के धार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। वहीं पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है।
उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कट्टर समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि संजय शुक्ला ने अपने नेता सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। वहीं पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल के बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं। यही कारण रहा कि संजय शुक्ला अपने साथ विशाल पटेल को भी बीजेपी में ले आए। संजय शुक्ला 2018 में विधानसभा एक से पहली बार चुनाव जीते। इंदौर एक की विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। अब इंदौर शहर में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं विशाल पटेल 2018 में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साफ है कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं के बीजेपी में आने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका तो लगा ही है, साथ ही आगामी चुनाव में बीजेपी को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। वही रहा है ना कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है पीछे पीछे कांग्रेस नाम हो रही है। वही रहा है ना कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है पीछे पीछे कांग्रेस नाम हो रही है। जाहिर है लोकसभा के रण के लिए मैदान सज चुका है और सभी पार्टियां इस महासमर के लिए तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस बीजेपी को मात देने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वही उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता पाला बदल कर बीजेपी खेमे में जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। स्पष्ट तौर पे साफ तौर पे जो बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुरेश पचौरी ने स्पष्ट तौर पे यही कहा कि जो राम का नहीं वो उनके काम का नहीं और लंबे समय से इसको लेके दूरी बनाते हुए दिखाई दिए। हालांकि आज बीजेपी दफ्तर में सुरेश पचौरी संजय सहित कई ऐसे जो नेता थे जो कांग्रेस के रीति नीति नियम तय करते थे उन्होंने आज पार्टी का साथ छोड़ा और कहा कि अब कांग्रेस मोहभंग हो गया है और कमल जो है उन्होंने हाथों में थाम लिया है। विजय भोपाल। एक तरफ जहां कांग्रेस के संजय शुक्ला समेत कई नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे तो वहीं ज्वाइनिंग के दौरान कैलाश विजयवर्गीय का एक हंसी मजाक वाला वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने संजय शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने पर चुटकी ली है। क्या कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने सुनिए।